दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के जारी निर्माण के तहत सतवारी में बनाए जाने वाले फ्लाईओवर से प्रभावित हो रहे दुकानदारों ने एक बार फिर अपनी पीड़ा और व्यथा सरकार तक पहुंचाई है। फ्लाईओवर के निर्माण के लिए सतवारी और नई बस्ती में 65 दुकानों को तोड़ा जाना है और इस परियोजना से प्रभावित होने वाले दुकानदार एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। इन दुकानदारों ने आज कुछ घंटों के लिए कारोबार बंद रखा और स्थानीय पार्षद पवन सिंह की अगुवाई में धरना प्रदर्शन कर सरकार से पुनर्वास करने की मांग की है ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। कोई भी हमारे पास नहीं आया है कि भाई आपको ये दुकानें अगर जा रही हैं तो आपको रिहैबिलिटेशन किया जाएगा। अगर हमारी इंक्रोचमेंट होती तो हम बिल्कुल नहीं बोलते। सरकार द्वारा ये वो लोग हैं जो 1947 के बाद उजड़ने के बाद सरकार द्वारा बसाए गए लोग थे और ये दुकानें खुद सरकार ने लोगों को दी हैं। आज अगर इन दुकानों पे कोई तलवार लटक रही है तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये अपील है, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कि इनको उजाड़ने से पहले इनको बसाया जाए। सामने सतवारी चौक की ग्राउंड है, वहाँ पे नेशनल हाईवे वालों ने 8 मीटर की स्ट्रिप ली है, 4-5 मीटर की इनको भी स्ट्रिप दी जाए, वहाँ पे सारे ये अकोमोडेट हो जाएंगे। इसलिए आपके माध्यम से एक पुरजोर अपील है और हाथ जोड़ के निवेदन है माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और नरेंद्र मोदी जी से कि इन दुकानों को उजाड़ने से पहले इनको वहाँ पे बसाया जाए, रिहैबिलिटेट किया जाए। आज हमने इस समय पीक सीजन है, दिवाली का सीजन है, धनतेरस आने वाला 2-3 दिन में, पूरी बाजार बंद है। ये बाहर की जो दुकानें जा रही हैं तो, लेकिन जो अंदर वाले हैं उनको भी पीड़ा है, इसलिए सब ने आज इकट्ठे होकर एकता का प्रदर्शन दिया है कि हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि ये दुकानें अगर नहीं बच पा रही हैं इस फ्लाईओवर के माध्यम से तो हमें सामने रिहैबिलिटेट किया जाए। इसीलिए आज हमने एक शांतिपूर्व अपील कर रहे हैं पूरी सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि हमारी पीड़ा समझिए और हमें रिहैबिलिटेट कीजिए। आपने देखा किस तरह से सभी दुकानदार सड़कों पर है और स्थानीय पार्षद के अगुवाई में यह जोरदार प्रदर्शन आज किया है और सरकार से सीधे सीधे तौर पर अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द इनके मसले का हल किया जाए। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त शिल्पा जम्मू से हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। शिल्पा, जरा बताइए, ये मामला एक बार फिर से सामने आ रहा है, लगातार वहां के जो दुकानदार हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें रिहैबिलिटेशन दिया जाए, उन्हें कहीं जगह दी जाए ताकि वो उनकी जो रोजी रोटी है वो भी चलती रहे। तो क्या कुछ इस प्रदर्शन में आज निकलकर सामने आया? देखिए, फ्लाईओवर का काम जोरों शोरों से तैयार है और आने वाले समय में लगभग 60+ ऐसी दुकानें हैं जिन पर जान चलने वाली है। और इससे पहले भी व्यापारियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और आज लगभग 1 घंटे तक जहाँ पर व्यापारी ने अपनी दुकानें बंद की और वो सड़कों पर पहुंचे। उनकी यही मांग है कि उन्हें रोजगार के बदले रोजगार दिया जाए, ये भी कम्प्लेन किया जाए, दुकान के बदले दुकान दी जाए। उनका कहना है कि उन्हें कोई भी पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, काफी सराहनीय कदम है, लेकिन अगर उनका कहना है कि अगर हमें दुकान के बजाय दुकान मिलती है तो हम खुद बुलडोजर जो है वो अपनी दुकान पर चलाएं।